जब भी तुम्हारी बहन टूर पे जाती है तो मुझे लंच पे बुला लेते हो, ये भी ठीक है, वो भी घर पे बुला लेते हो। डिनर पर तुम आती नहीं, दूसरा मैं अपनी औरत को सड़क पर बैठा के खाना नहीं खिला सकता। क्या बात है भाई, नहीं तो क्या आजकल ये एसकेडी आपका बिजनेस बंद हो गया, कोई काम शाम नहीं? दुनिया का जहीन तरीन बिजनेसमैन और एक ऐसा कामयाब शख्स है तुम्हारे होने वाला शौहर, नाकामी जिसके करीब नहीं आती, क्योंकि नाकामी को मुझसे जान का नहीं इज्जत का खतरा है। किबरियाई रब की चादर है, उस पे हाथ नहीं डालते। ओहो सॉरी, क्यों तुमने मुझे बदल के रख दिया? नमाज पढ़ने लगा हूं, कुरान पढ़ने को जी चाहता है, क्यों किया तुमने मुझे ऐसा? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे लगता है कि अल्लाह वसीला बनाता है, मेरा तुम्हारी जिंदगी में आना, तुम्हारा बदल जाना, क्योंकि तुम बदलना चाहते थे, तुम्हें सुकून चाहिए था, दिखा हुआ था, और फिर रब की इबादत में सुकून है, उसके उसके घर में ही, बुराई में बेचैनी है। सब मैं मानता हूं, लेकिन तैयूर अंकल से डर लगता है मुझे। जब उन्हें पता चलेगा कि मैं की बेटी से नहीं तुमसे शादी करने वाला हूं, तो नया नहीं, क्या मेरे करियर का सूरज गुरूब होने वाला है? क्या वो मेरी कश्ती डबोने वाले हैं? ईमान पक्का करो, कुछ नहीं होगा, अल्लाह टाइटैनिक देगा तुम्हें, देख लेना, बस यकीन रखो, कोशिश करना कभी किसी का दिल ना तोड़ना, गलत ना करना किसी के साथ। एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे यार? क्या ये जो हर बात में तुम अपने आप को परफेक्ट और दूसरों को छोटा समझने लगते हो ना, ये ठीक नहीं है, बहुत नार्सिसिस्टिक बिहेवियर है, यू नीड टू चेंज। कुछ होता ही नहीं है मेरे साथ, क्या करूं।